दोस्तों आज बात करेंगे हाउ टू रिक्रिएट सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स विद करेक्ट लाइटिंग सेटअप एंड करेक्ट कैमरा सेटिंग्स। अब देखिए, बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स बनना चाहते हैं और वो काफ़ी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को देखते हैं शूट करते हुए जब वो सेलिब्रिटीज़ का शूट करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स हैं वो कैसे सेलिब्रिटीज़ का पोर्ट्रेट अच्छी तरह से निकालते हैं। क्योंकि सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स आपने देखे होंगे मैगजीन्स के कवर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जो भी जहाँ पर भी एक्टर या कोई भी सेलिब्रिटी अपनी मार्केटिंग करता है वहाँ पर वो फोटोज़ आपने ज़रूर देखे होंगे। तो आज मैंने जो है कुछ फोटोज़ नेट पे से निकाले, देखिए इस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इनको आज जो है इसमें हम लोग दो पोज पकड़ेंगे और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जहां मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि आपको लाइटिंग कैसे करनी है इस तरह के पोर्ट्रेट्स को अचीव करने के लिए, कैमरा सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लाइटिंग टेक्निक। तो आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आई एम श्योर आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है दोस्तों, हम अपने सेलिब्रिटी को किस तरह का आउटफिट दे रहे हैं, क्या कलर है उसका, कौन सा बैकग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हमारा लाइट का सेटअप होगा और क्या हमारी कैमरा सेटिंग्स रहेंगी। अगर इन सारी चीज़ों को आपको पता चल जाए तो आप भी बहुत अच्छे से सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं और आपका काम अच्छा होगा। तो कोई भी सेलिब्रिटी के पास आप जाएंगे, वो आपका काम देखेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ वो काम करना पसंद करेंगे। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पिक्चर्स में फिनिश होना, हमारी पिक्चर्स में क्वालिटी होना, हमारी पिक्चर्स के अंदर लाइटिंग परफेक्ट होना, हमारी पिक्चर्स में जो है एक जिसको हम बोलते हैं क्रिस्पी क्लियर, एकदम जैसे प्रो लेवल की पिक्चर्स बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ एक बार आयुष्मान है। आयुष्मान एक एक्टर है। अभी आयुष्मान कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, अभी आयुष्मान जो है स्ट्रगल कर रहा है, बट इसको आज हम सेलिब्रिटी बना रहे हैं। इसके साथ ही जो है हम रिक्रिएशन करेंगे और आयुष्मान से हमने डिस्कस किया कि थोड़ा सा वो अच्छे से परफॉर्म करे, सो ही विल गिव इज बेस्ट। तो यहाँ सबसे पहले हमने, जैसे मैंने आपको रेफरेंस इमेजेस दिखाए थे, तो वहाँ पर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ने पोलोनेक ब्लैक कलर के जो है टी शर्ट्स या इस तरह की पहने हुए थे पोलोनेक। तो यहाँ पर भी हमको इनको ब्लैक कलर का पोलोनेक दिया है क्योंकि हम रिक्रिएट कर रहे हैं। अभी देखिए जो ब्लैक कलर का है इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये जो है आपको अच्छा पॉस्चर देता है। ये जो ब्लैक कलर का आप देख पा रहे हो पोलोनेक, ये पॉस्चर देता है और जो इनका स्किन टोन है एक्टर का और ये जो हेयर है, जब इस पर सही लाइटिंग होगी तो वो बहुत ही कमाल की निकल के आएगी, जो मैं अभी आपको डेमो शूट करके दिखाऊंगा ताकि जो भी मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो पहली चीज़ है कलर, दूसरी चीज़ है कि अब जो मैंने रेफरेंस दिखाए थे वहाँ काफ़ी सारे पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट में थे, बट यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसे कलर में शूट करें। तो अब यहाँ पर जब हम कलर में शूट करेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो मेरा प्लान है कि पूरा बैकग्राउंड जो है हमारा वाइट आए। अब वाइट बैकग्राउंड के लिए मैंने ये अपना 5 फीट का ऑक्टा यूज़ किया है और पीछे मैं 1000 वॉट की, या मेरी, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी 500 वॉट की लाइट जो है वो पीछे मैंने लगाई है, जिससे जो है पीछे का जो आप देख पा रहे हो ये जो बैकग्राउंड है इसको हम अच्छे से लिट करेंगे। अब जब मैं फायर करूँगा अपने ट्रिगर से, यानी कि जो कैमरा के ऊपर मेरा ट्रिगर होगा, जब मैं फायर करूँगा तो ये जो लाइट है ये एकदम थोड़ी सी रैप अराउंड होगी यहाँ पर, यहाँ पर थोड़े से अच्छा जो है हमको बालों पे साइड में हमको एक वाइट जो है वो एक प्योर वाइट जो पीछे जो जिसको बोलते हैं ना इल्यूमिनेटेड पूरा, वो उस तरह का आपको एक इफेक्ट मिलेगा जहाँ ब्यूटीफुली वाइट जो है बैकग्राउंड आपको निकल के आएगा। और कलर ब्लैक है तो जो डिटेल है वो मॉडल की आपको बहुत ही फिनिश के साथ नज़र आने वाली है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी है, आपके पास में जो भी फ्लैश है आप इस तरह का एक ऑक्टा ले लीजिए। अगर आपके पास में ऑक्टा नहीं है तो आप वाइट दीवार के ऊपर भी लगा के इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉडल को दीवार के अगेंस्ट खड़ा करिए और एक दीवार पे लाइट लगाइए पीछे, या मॉडल को थोड़ा सा दीवार के आगे खड़ा करके एक पीछे लाइट आप दीवार पे वाइट भी दे सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। बट यहाँ मैं आपको एक्चुअल में, जब मैं शूट करता हूँ किसी भी टीवी एक्टर के साथ में या किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, तो ये टेक्निक मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारी दूसरी टेक्निक की। अब है हमारी जो है की लाइट, यानी कि जो फ्रंट लाइट है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों अगेन 1000 वॉट का मेरा जो स्टूडियो स्ट्रोब है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने आगे जो है ये लगाया हुआ है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ब्यूटी डिश। तो ब्यूटी डिश एक तरह का दोस्तों स्टूडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे सन क्रिएट करने की। अब जब ये ब्यूटी डिश जो है फायर करेगी और जब फायर करके मॉडल के फेस पे, जब आप देखिए इस तरह से लाइट यहाँ से आएगी और फायर करेगी, तो मॉडल के फेस पर जब लाइट आएगा तो आप देखेंगे कि पीछे का जो रैप अराउंड किया है और जो फ्रंट की लाइट है, तो मॉडल की जो स्किन की डिटेल है, जो हेयर की डिटेल है और जो उनकी ये जो जिसे हम कहते हैं दाढ़ी की डिटेल है, वो बहुत खूबसूरत निकल के आएगी और बिल्कुल हम एक सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट है उसे अपने स्टूडियो के अंदर ही रिक्रिएट कर लेंगे। अब दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है समझने की, वो ये है यहाँ पर कि भाई हमको लाइट के अंदर एनर्जी लेवल कितना रखना है, यानी कि हमारी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि
आपका सब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। ज़्यादातर जब मैं इस तरह के पोर्ट्रेट लेता हूँ तो जैसे आप एक बार यहाँ टच करिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और आगे आइए, हाँ तो इतना मैं डिस्टेंस रखता हूँ जिससे ये लाइट को टच कर सके, ताकि लाइट जो है मुझे अप्रोप्रिएट मिले और पीछे का भी जो लाइट है वो भी अच्छे से रैप अराउंड हो यहाँ पे। तो मेरा जो टेक्निक है वो ज़्यादातर ये रहता है, आप भी इस तरह की टेक्निक को बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से आप पूरी टेक्निक को कॉपी कर रहे हैं, और आप 10-12 बार इस तरह के शूट्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फोटोग्राफी है वो बहुत ही प्रो लेवल पे चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनर्जी लेवल की, तो मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल है देखिए इस तरह दिखा रखा है, 6.8 के ऊपर मैंने एनर्जी लेवल रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने लाइट को ऑलरेडी मीटर कर लिया है, तो जब मैं टेस्ट शॉट ले रहा था तो जो अपर्चर है वो मुझे करीब F8 का मिला यहाँ पर, जहाँ पे पिक्चर मुझे काफ़ी शार्प मिल रही थी। मैं भी आपको दिखाऊंगा करके ताकि आप समझ पाएंगे। और जो पीछे की लाइट है लगभग मैंने इसको भी मीटर किया, जो पीछे की लाइट है उसको भी मैंने मीटर किया अपने लाइट मीटर से, तो यहाँ की लाइट भी लगभग जो है ये भी उस सेम एनर्जी लेवल पर है, 6.8 के आसपास, और यहाँ पर भी मुझे F8 के आसपास मिली है। अब यहाँ पर एक स्टॉप आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ताकि अगर पीछे की लाइट थोड़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर ब्राइटनेस लग रही है तो उसको ओवर पार करके जो है यहाँ पर आपको एक परफेक्ट पोर्ट्रेट मिलेगा, यानी कि लाइटिंग जो है वो बहुत ही क्रिस्पीनेस के साथ, यानी कि क्रिस्पी इमेज आपको मिलेगी, क्लैरिटी के साथ मिलेगी। तो थोड़ा लाइट को आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, इट डिपेंड्स कि डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट कितना है सब्जेक्ट का या पीछे अपना कितना रखा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही कॉपी करना है सेटिंग्स, बट अगेन शुरू में आप कॉपी करिए, अगर आपको वैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा लाइटिंग को आप ट्वीक करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट वॉट एवर, जैसा आपने अभी शूट करके दिखाया वो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जो बात करेंगे वो है हमारी दोस्तों कैमरा सेटिंग्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने F8 जब मीटर किया तो F8 क्यों लगा, इसलिए F8 रखा क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ 85mm का मेरा लेंस। तो जब हम प्राइम लेंस यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर F8 और F9 पे जो ऑप्टिक्स हैं स्पेशली 85mm या 135mm लेंस है या 50mm लेंस है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, मैक्सिमम शार्पनेस आपको मिल जाती है। तो कोशिश करिए F8 F9 पे आप जो है शूट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे शटर स्पीड की, तो शटर स्पीड मैंने रखी है 250 की शटर स्पीड रखी है, बिकॉज मेरा इसमें मैक्सिमम 250 तक ही मैं शूट कर सकता हूँ, तो मैंने मैक्सिमम शटर स्पीड रखी है, बिकॉज 85 की फोकल लेंथ है, तो जितनी भी फोकल लेंथ है उससे आप डबल या उससे ज़्यादा रखिए शटर स्पीड, तो आपको इमेजेस और भी शार्प मिलती हैं। ISO मैंने 100 रखा है बिकॉज वी आर शूटिंग इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, जहाँ हम अपने ISO को यानी कि मिनिमम रखेंगे, 100 के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ। उसके अलावा Adobe RGB मैंने रखा है कलर स्पेस, ताकि बाद में अगर मैं को पोस्ट में थोड़ा बहुत भी करेक्शन करना है कलर्स का, वाइट बैलेंस का, तो अगर मैं फोटोशॉप में ओपन करूँगा तो मुझे कलर सेम मिलेंगे जो मुझे मेरे सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, एंड ऑफकोर्स आपको रॉ पे ही शूट करना है, ताकि आपको इमेजेस जो है उसके अंदर आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये मेरी मेजर सेटिंग्स है। वाइट बैलेंस है वो मैंने रखा है करीब 5000 केल्विन का, क्योंकि मेरी जो लाइट्स है इसमें कलर टेम्परेचर काफ़ी स्टेबल मुझे मिलता है, अभी आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस क्या बात कर रहा हूँ। चलिए लेते हैं पहला शॉट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिटेलिंग है हमारा कॉन्सेंट्रेशन है कि हम किस तरह से रिक्रिएट कर रहे हो सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट को, तो वो कोशिश करेंगे यहाँ पे। सॉरी रेडी, या लुक हेयर, सीधा कैमरा में देख रहे हैं थोड़ा सा, हाँ मोर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा पार्ट लिप्स थोड़ा सा पार्ट करो हल्का सा, हाँ लेते हैं एक शॉट। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर पिक्चर हमें कितनी क्लैरिटी के साथ मिली है स्क्रीन पे, आप देखिए, और हमने ऑलमोस्ट जो है पूरा एक सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं इस तरह के ब्लैक पोलो नेक में अपने फोटोज़ को शूट कराते हैं, या उनके जो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स होते हैं वो इस तरह से शूट करते हैं। एक मैं जो है पोर्ट्रेट मोड पर भी लेता हूँ पिक्चर, ताकि वो भी हमें एक अच्छा पिक्चर मिले यहाँ पर। वेरी नाइस टेकिंग, ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर आप देखिए दो पिक्चर्स मैंने लिए हैं और पिक्चर हमें बेहतरीन मिले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए स्किन टोन है, डिटेल है स्किन की, हेयर की डिटेल है, बैकग्राउंड जो वाइट है वो कितने अच्छी फिनिश के साथ आया, और ये रॉ इमेज है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया आपको, एज इट इज़ जो पिक्चर है वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत आप अपने इसके साथ प्ले करेंगे, इसको एडिट करेंगे, स्किन के जो भी वहाँ पे फ्रेकल्स हैं या स्पॉट्स है, अगर आप उसको रिमूव करेंगे इट विल लुक मच मच प्रोफेशनल। तो मैं आपको रॉ इमेज एज इट इज़ दिखा रहा हूँ। सो इस तरह से आप रिक्रिएट करिए, इंटरनेट पर जाइए देखिए किस तरह के सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स हैं, उनको अपनी स्टूडियो जो भी आपके पास है फ्लैश उनको यूज़ करके आप रिक्रिएट करिए। अब हमारा जो दूसरा सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे एस्क्वायर मैगजीन का है ये, रणवीर सिंह का। तो इसको हम थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, बैकग्राउंड का कलर, लाइटिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें सेम रखने की कोशिश करेंगे।
जिससे हम जो है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अगर हमको इस तरह के सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स निकालने हैं तो हम अच्छे से जो है उन्हें अचीव कर सकें राइट लाइटिंग टेक्निक के साथ। अब यहाँ पर जो लाइटिंग टेक्निक है मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बिकॉज हमको ग्रे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मॉडल को मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़ा किया, हल्का सा, थोड़ा सा आगे आ जाओ, हल्का सा, बस इतना। तो अब क्या होगा कि जब लाइट है फायर होगी, लाइट यहाँ पर हिट करेगी और उसके बाद लाइट तेज़ी से एक दो स्टॉप फॉल करेगी। जैसे ही लाइट फॉल करेगी तो ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाइट ना आके ये ग्रे बैकग्राउंड आएगा। तो ये एक ट्रिक है जिसे हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको आपके पास में ग्रे बैकग्राउंड नहीं है तो आप वाइट बैकग्राउंड से थोड़ा आगे खड़ा करिए मॉडल को, पीछे का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ग्रे हो जाएगा अगर आप पीछे से अलग से बैकग्राउंड को लिट नहीं करते हैं। अब दूसरी जो हमारा लाइटिंग गियर है की लाइट है, वो अगेन हमारी ब्यूटी डिश है इस तरह से, और थोड़ा सा देखिए वापस हाथ लगाइए, थोड़ा हल्का सा दूर रखा है, टच नहीं कर पा रहा है, बट इतना मेरे को डिस्टेंस चाहिए था ताकि बैकग्राउंड का ग्रे मुझे मिले। और जो बॉडी लैंग्वेज है, अब वो पिक्चर यहाँ बिकॉज इट्स अ सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट इतना फ्रेम में ही जाएगा, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कॉम्पोजिशन फ्रेमिंग कैसे करनी है। कैमरा सेटिंग्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लगभग वही रखा है, F8 पे शूट कर रहा हूँ, 250 मेरी शटर स्पीड है और ISO मैंने 100 रखा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, वाइट बैलेंस वगैरह वगैरह। चलिए अब हम एक पिक्चर लेते हैं और यहाँ पर कोशिश करते हैं कि पिक्चर हमें किस तरह से मिलती है सेम पोज के साथ। ब्यूटीफुल, होल्ड इट, यस यस, मोर एनर्जी। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छा पिक्चर हमें मिला है, स्लाइटली लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बट इट्स लुकिंग फैंटास्टिक। एक पोज और लेते हैं, फोल्ड योर हैंड्स, हाँ हाँ, समथिंग लाइक दिस, यस, वेरी नाइस, थोड़ा स्ट्रेट खड़ा हो, हाँ हाँ, यस, टेकिंग, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिक्चर हमें काफ़ी अच्छी मिली है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आज हमने जो है करीब 4-5 पिक्चर्स निकाली है। मेन चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है वो है आपकी लाइटिंग की टेक्निक कैसे है, कपड़े किस तरह से हैं, यहाँ पर हमने लगभग वैसे ही कपड़े इस्तेमाल करे हैं ताकि आपको कलर्स का आइडिया आएगा कि ग्रे बैकग्राउंड है तो इसके आगे के कलर्स कैसे होने चाहिए। तो आप कलर्स का ध्यान रखिए, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, पोजिंग का ध्यान रखिए, लाइट को कहाँ पर प्लेस करना है उसका ध्यान रखिए, उसके अलावा आप कितने अपर्चर पे शूट कर रहे हैं, F8 F9 पे, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड यू विल अचीव सुपर पिक्चर्स। तो यहाँ पर कुछ भी हमने ऐसा बहुत बड़ा तामझाम नहीं लगाया है, सिंपल एक लाइट के अंदर हमने जो है इतने अच्छे सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स को रिक्रिएट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि जो आप देखते हो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स होते हैं वो कुछ अलग करते हैं या कुछ उनके पास बहुत महंगे या पता नहीं अफलातून गियर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट दे नो इज़ हाउ टू यूज़ लाइट करेक्टली, तो उनको इस बात का पता होता है कि लाइट को करेक्टली कैसे यूज़ करना है, लाइट को कितना थ्रो करना है, कॉम्पोजिशन पे किस तरह से काम करना है, फ्रेमिंग को कैसे बनाना है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से निकालनी है मॉडल की, एक्टर की, इस पर वो लोग काम करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, टेस्ट शॉट्स देते हैं, अपने स्किन टोन्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए मेरे मॉडलिंग फोटोग्राफी के ऊपर, आप देखिए चैनल पर मॉडलिंग फोटोग्राफी मनीष सक्सेना सर्च में डालिए, काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पर मैंने अलग अलग टॉपिक्स को लेकर बात की है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये सेलिब्रिटी जो रिक्रिएट हमने की है पोर्ट्रेट्स वो आपको कैसे लगे, इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो आप नीचे मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। Thanks for watching.